अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। आज वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से 100 KB प्लस साइज़ की इमेजेस फाइंड कर सकते हैं। इमेजेस का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से पेज लोड टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से आपको इमेजेस को कंप्रेस करना पड़ता है और मेक श्योर करना पड़ता है कि उनका साइज़ 100 KB से कम हो। तो ऐसी इमेजेस को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं योस्ट को। तो योस्ट में वेबसाइट का यूआरएल एंटर करेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। फिर जब क्रॉल 100 हो जाएगा उसके बाद जाएंगे इमेजेस में, यहाँ पे ओवर 100 KB। तो ये सारी वो इमेजेस हैं जो 100 KB से ज़्यादा हैं, आप इनका साइज देख सकते हैं। तो इन्हें कंप्रेस करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले नंबर पे, तो प्लगइन के ज़रिए। तो यहाँ पे प्लगइन करेंगे ऐड न्यू यू उसके बाद एक्टिवेटर से करेंगे, मीडिया में जाएंगे, बल्क ऑप्टिमाइज, कैन फॉर अन ऑप्टिमाइज इमेजेस। तो इमेजेस सारी ऑलरेडी अपडेटेड हैं। तो मैनुअली अपडेट करने के लिए इनके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे इन लिंक्स में। तो इस इमेज की यूआरएल को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसे फिर डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जाएंगे टीनी पीएनजी पे, यहाँ पे इसे ड्रैग कर देंगे। उसके बाद डाउनलोड होगी, आप देख सकते हैं कि 100 KB से कम हो गई है। तो उसके बाद फ्रॉम यूआरएल कॉपी करेंगे, इसे ओपन करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक इंस्पेक्ट और इमेज का यूआरएल कॉपी करेंगे, कंट्रोल एफ पेस्ट। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इमेज है। तो ये बेसिकली फीचर्ड इमेज है। यहाँ से क्लिक करेंगे एडिट को उसके ऊपर। उसके बाद रिमूव फीचर्ड इमेज, सेट, अपलोड। तो जो न्यू इमेज है वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अपडेट। तो उम्मीद है आपको इन कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। वीडियो देखने की शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।